हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे। और बस ये लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो छोड़ा था, हम लोग मुनार जा रहे थे, तो ये उसके आगे का वीडियो है। और हम मुनार पहुंच चुके हैं और ये रात पड़ गई थी और इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी, तो ये रिज़ॉर्ट का ही हमारा जो रिज़ॉर्ट है वो ब्लैकबेरी रिज़ॉर्ट है। तो ब्लैकबेरी रिज़ॉर्ट के ही अंदर रेस्टोरेंट था, तो हम लोगों ने वहाँ से डिनर किया। हम लोग बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रहे थे और भूख भी बहुत लग रही थी, तो ये मैंने रात को लिया था। बहुत ही प्यारा सा ये रेस्टोरेंट था और उसी के साथ ही ये एक प्ले एरिया था रिज़ॉर्ट में। मैं रिज़ॉर्ट का पूरा टूर आपको वीडियो में डालूँगी। तो ये मैंने थोड़ा थोड़ा ही वीडियो लिया था, तो क्योंकि रात भी पड़ गई थी और हम लोग इतने ज़्यादा थक भी गए थे, तो ये उसी का ही प्ले एरिया है। और बहुत ही बढ़िया प्ले एरिया बना हुआ था, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए कुछ ना कुछ अच्छी अच्छी गेम्स थे। बहुत अच्छा लग रहा था। तो बस ये उसी का थोड़ा सा वीडियो मैंने लिया, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों को नहीं पता या जो लोग नहीं गए या जो लोग प्लान कर रहे हैं, तो ब्लैकबेरी रिज़ॉर्ट है मुनार में और बहुत ही बढ़िया है। उसका व्यू भी बहुत अच्छा है, वो आगे आप वीडियो में देखना। मैंने थोड़े थोड़े छोटे छोटे क्लिप मैंने लिए हैं ऐसे। तो यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड, हम लोग दोनों ही लूडो खेल रहे थे। गर्मी होती है तो इतना ध्यान में नहीं रहता, लेकिन वहाँ जाके तो इतना अच्छा लग रहा था ना, और हम लोग काफ़ी इंजॉय भी कर रहे थे और बहुत मस्ती के मूड में थे। तो बस ये हम थोड़ी देर गेम खेले और बहुत मज़ा आया गेम खेलने में। उसके बाद हम लोग सांप सीढ़ी खेलने लग गए। सांप सीढ़ी काफ़ी लोग आज भी खेलते होंगे। हम लोग बचपन में खेलते थे, बहुत मज़ा आता था। अब तो सब लोग, ज़्यादातर लोग मोबाइल से लूडो खेलते हैं, सांप सीढ़ी मोबाइल से खेलते हैं, तो बोर्ड पे कोई भी इतना नहीं खेलता। तो हम लोग वहाँ पे गए तो वहाँ पे बोर्ड पे लगा हुआ था सांप सीढ़ी ऐसे, तो हम लोग बैठे और हमने खेलना चालू कर दिया। तो बहुत मज़ा आया। पहले दिन तो हम लोग थक गए थे, बट वो रात को जो भी था ना, वो बहुत मज़ा आया। थोड़ा सा भी टाइम था, तो ये मैंने थोड़ा सा प्ले एरिया का पूरा ऐसे राउंड लगा के मैंने ऐसे ही मैंने वीडियो बनाया था। तो आप लोग देखिए और इन्जॉय कीजिए। और हर तरह की गेम्स थी, बड़ों के लिए खेलने के लिए, छोटों के लिए, सबके लिए। और मेहर ने तो बहुत इन्जॉय किया, मेहर को बहुत मज़ा आ गया था। एक्चुअली मेहर ने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये सब होगा वहाँ पे, तो उसको ये ब्लॉग बनाने के लिए मिल गया और बहुत ही उसने इन्जॉय किया। उसके बाद ये अगले दिन का वीडियो है हमारे रूम का, और हम इतना ज़्यादा थक गए थे तो मैंने ऐसे ही फ़ोन रख दिया था, मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया रात को। तो ये मैं सुबह बालकनी में आई थी, तो बालकनी का व्यू इतना ज़्यादा प्यारा था, इतना ज़्यादा ऐसा लग रहा था, पता नहीं, जैसे मतलब जैसे जन्नत होता है ना, जन्नत जन्नत था सच में। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि केरला इतनी सुंदर जगह है, और बहुत ही, वाकई बहुत खूबसूरत जगह है। और अगर आप प्लान कर रहे हो जाने का, तो मुनार ज़रूर जाना। और ब्लैकबेरी रिज़ॉर्ट है, तो अगर आप वहाँ रुकोगे तो ये व्यू देखने को मिलेगा, और बहुत ही प्यारा, बहुत ही, सच में बहुत ही सुंदर सा व्यू है। और उसके बाद हम बाहर निकल रहे थे, तो ये छोटी सी प्यारी सी कैट हमारे दरवाजे पर बैठी थी रूम के, तो मुझे मैक्स की बहुत ज़्यादा याद आई, सच में रियली इतनी ज़्यादा याद आई। तो ये बहुत ही प्यारी सी कैट थी और म्याऊं म्याऊं कर रही थी बहुत ही क्यूट सी इसकी आवाज़ थी, तो मैक्स की सच में बहुत याद आई थी, बहुत ही ज़्यादा। तो बस हो रहा था कि जल्दी जल्दी मैक्स के पास चले जाओ मैक्स होता तो इसके साथ भी खेल लेता तो सच में पता नहीं कैसे खेलते ये लोग, बाप रे। तो बस फिर हम लोग बस रेडी हो रहे थे निकलने के लिए, कि चलो आज नेक्स्ट डे, और थोड़ा सा फ्रेश फील कर रहे थे, तो सोचा घूमने के लिए निकल जाते हैं। तो चलिए आप लोग भी हमारे साथ चलिए और इन्जॉय कीजिए।
और उसके बाद हम लोग जब रूम से निकले ना, तो हमने सोचा हम लोग घूम लेते हैं, बट उस वक्त ब्रेकफास्ट का भी टाइम हुआ था, तो रिजॉर्ट की तरफ से ही ब्रेकफास्ट फ्री रहता है, तो बस हम लोग ब्रेकफास्ट करने वाले थे। तो यहाँ पे मैंने ऐसे ही मीनू का वीडियो बनाया था, तो बहुत ही मज़ेदार सा ब्रेकफास्ट था, डोसा, इडली सांभर, पोंगल, आई डोंट नो पोंगल किसको कहते हैं, मुझे तो नहीं पता, बट जो भी था बहुत ही यम्मी सा था और डिफरेंट था बिल्कुल। छोले भटूरे थे, छोले भटूरे तो हमें पता ही है, तो सांभर और इडली डोसा तो हम लोग खाते ही हैं, हमें पता था। बाकी कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मुझे पता भी नहीं थी, बट बहुत ही टेस्टी थी, और कुछ चीज़ें हमने टेस्ट भी नहीं करी। और ये था वड़ा, मेडू वड़ा और समोसे, ये भी बहुत ही टेस्टी थे, मेहर को बहुत अच्छे लगे। और कुछ फ्रूट्स थे, पपाया था, वाटरमेलन था, मस्क मेलन था, ये टमाटो जूस था, ये भी मैंने पहली बार ट्राई किया, बहुत ही यम्मी था। तो यहाँ पे मेहर भी नाश्ता कर रही है और हमारा अच्छे से नाश्ता हो गया। उसके बाद हम लोग घूमने के लिए निकले और बस ये रास्ते का ही वीडियो मैंने बनाया था, बहुत ही सुंदर नज़ारा था, तो बहुत मज़ेदार था। और हम कहाँ जा रहे हैं ये तो मुझे भी नहीं पता, तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा अगर मैं जहाँ जा रहे हैं वहाँ का वीडियो मैं नेक्स्ट में डालूँगी। तो जब तक कि आप लोग इंजॉय कीजिए, और मेरी वीडियो पसंद आती है गाइस प्लीज़ लाइक करो, सपोर्ट कीजिए मुझे, तभी मेरा मन करता है कि मैं वीडियोस बनाऊँ। एक लाइक तो कर दीजिए, अगर आपको अच्छा लगता है मेरा वीडियो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। और अगर आपको मेरी वीडियो चाहिए, और मुझे भी होता है कि मुझे एक मोटिवेशन मिलता है कि आप एक लाइक करते हो, काफ़ी लोग मेरे वीडियोस देखते हैं बट लाइक नहीं करते, तो एक लाइक तो प्लीज़ कर दिया करो। तो गाइस थैंक यू सो मच, बाय।